अब खान तुम और हम इस दहशत और वहशत का खई के रस्म को खत्म करेंगे। अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। तुम अपना बेटी का रिश्ता हमारे जनरल खान को दे दो, लेकिन सिर्फ बातों से नहीं, अमल करके दिखाना। यही तो खान, माशाल्लाह। दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता। ये इस काबिल नहीं है। बात करने की जरूरत ही क्या है, बस जमदा की शादी की तैयारी करो। हमारा जिंदगी का एक क्षण है। दोस्ती और दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलना। वाह दरवेश खाना, वाह, हमको जवाब भी दिया और खुद शादी बना रहा है। सही है कि गलत है, हमको नहीं मालूम। दुख हो या खुशी, हम अपने दोस्त को और दुश्मन को अकेला नहीं छोड़ते। ओ चनार खाना, देर नहीं करो, तुम सोच दियो। अब अगर हम यहाँ आ गए ना, तो अब बाबा से कहें कि यहाँ के लोगों से उनकी जुबान में बात करें। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या, पूरा गांव याद रखेगा। याद करो दरवेश खान, हमने तुमको बोला था दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको, और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है, लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं, बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है, और यहाँ पर जमदा की माँ भी कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं, और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं, तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है, तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है, और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं, और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छल्ली कर देते है जमदा के बाप को, और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा, और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा, और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है, और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता, और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी, क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छिल्ली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है। अब इस जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा, वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी, क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी, वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है, क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी, आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है, कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है, ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान, और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता
है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छन्नी कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा उसे शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं। वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छिली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और अब इस जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी। आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर, लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है,
यहाँ पर अब चनार खान जो है, जो जिसकी जमदा पर नजर होती है, और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छल्ली कर देता है जमदा के बाप को, और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा। और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है। और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता। और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है। अब इस जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को। लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी। आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर, उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है, कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान ने दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है, जो जिसकी जमदा पर नजर होती है, और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छली कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा। और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है। और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते
क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और ये जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी, आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है, ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखीर में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छली कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और ये जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी, आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है, ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता
जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छन्नी कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं। वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और इस जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बन के चनार खान की बीवी बन के ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी। आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर, लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है,
यहाँ पर अब चनार खान जो है, जो जिसकी जमदा पर नजर होती है, और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छन्नी कर देता है जमदा के बाप को, और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा उसे शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा। और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है। और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला, इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता। और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है। और ये जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बन के, चनार खान की बीवी बन के ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को। लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी। आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर, उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है, कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है, जो जिसकी जमदा पर नजर होती है, और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं। और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छन्नी कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा उसे शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा। और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है। और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते
क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और ये जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी, आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है, ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखई में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बुछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छली कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं, वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और ये जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बनके चनार खान की बीवी बनके ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी, आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर। लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है, ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता
पता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखीर में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा था, तुमने जवाब नहीं दिया। और यहाँ पर शादी भी हो रही है, यहाँ पर अब चनार खान जो है जो जिसकी जमदा पर नजर होती है और वो तो यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से बस जमदा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब शादी नहीं हो रही होती है तो वो गोलियों की बौछार कर देते हैं जमदा की शादी में। और इसी दौरान आप देखेंगे कि ये जालिम लोग जमदा के बाप को गोलियों से छन्नी करके जमदा के बाप को मौत के घाट उतार देते हैं और यहाँ पर दरवेश खान का आना जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चनार खान गोलियों से छल्ली कर देते है जमदा के बाप को और उसके बाद वहां पर ही जमदा से शादी कर लेगा और जमदा से शादी करके उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसके आंखों के सामने ही जमदा का बाप दम तोड़ देगा और उसको कफन दफन भी नसीब नहीं होने देगा और जमदा से शादी करके चनार खान उसको अपने घर ले जाएगा। जमदा के दिल में बदले की आग भड़क रही होगी, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल लाचार और कमजोर और मजबूर होती है और उसके भाई भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतना असला इतनी बंदूकें होती हैं। वो बेचारे तो अभी पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इन सब का उनको पता नहीं होता और उनकी बहन के साथ इतना जुल्म हो जाता है, उनका बाप भी मर जाता है। यहाँ पर अब इन सब का बदला जमदा खुद लेगी क्योंकि जिस तरह से जमदा के बाप के सामने गोलियों से छली कर दिया है उसके बाप को, वो भी चनार खान ने, उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई है और इस जबरदस्ती की शादी वो ऐसे निभाएगी कि सबको पता लग जाएगा वो उसकी दुल्हन बन के चनार खान की बीवी बन के ही चनार खान के खानदान को खत्म करेगी क्योंकि वो बदला लेना जानती है। वो जिस तरीके से इस गांव में आई थी वो इसका भला करने के लिए आई थी, वो लोग दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आए थे, इस बात का पता था जमदा को, लेकिन अब वो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है क्योंकि अब अपने बाप का बदला जमदा खुद लेगी। आस्ता आस्ता चनार खान के सारे खानदान को खत्म कर देगी उसी की बीवी बनकर उसी के घर में रहकर, लेकिन चनार खान को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि जमदा भी ये सब कर सकती है कि ये साले कत्ल कौन कर रहा है। ये एक सस्पेंस वाली स्टोरी बन जाएगी। लेकिन एक रात आप देखेंगे कि जब जमदा को बंदूक चलाते हुए देख लेगा चनार खान और वो सोचेगा कि तुमने बंदूक कैसे चलानी सीखी है, तो यहाँ पर जमदा कहेगी कि ये चला नहीं रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि इसको कैसे चलाते हैं। और अब जो है शक हो जाता है चनार खान को। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और ये ड्रामा बहुत ज्यादा डिफरेंट और स्टोरी भी बहुत ही जो है डिफरेंट होने वाली है। मजीद एपिसोड के रिव्यू प्रोमो एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रामा सीरियल अखीर में आप देखेंगे कि दरवेश खान तो दुराब खान के साथ दोस्ती का हाथ बटाने के लिए आता है, लेकिन दरवेश खान को ये नहीं पता कि दोस्ती का हाथ बहुत ही महंगा पड़ जाएगा उसको और दरवेश खान की मौत का भी सबब बन जाएगा। यहाँ पर दुराब खान दरवेश खान के घर पे तो आता है लेकिन दोस्ती का हाथ बटाने नहीं बल्कि जमदा का रिश्ता मांगने के लिए। दोस्ती के हाथ के बदले दुराब खान जो है वो चनार खान के लिए जमदा का रिश्ता ही मांग लेता है। ये सब देख कर तो दरवेश परेशान हो जाता है और अब यहाँ पर जमदा की माँ कहती है कि मैंने तो पहले ही मना किया था, ये लोग दोस्ती के काबिल ही नहीं है, ये सिर्फ दुश्मनी निभाना जानते हैं और अब जल्द से जल्द जमदा की शादी करनी चाहिए। वो लोग डर जाते हैं तो यहाँ पर अब जमदा की माँ और दरवेश खान जल्दी से जल्दी जमदा की शादी कर देते हैं उसके फूफो के बेटे के साथ। इसी दौरान जब शादी हो रही होती है तो आगे आप देखेंगे कि चनार खान और दुराब खान उसकी शादी में पहुंच जाते हैं और कहते